2014 में NIFT श्रीनगर सेंटर शुरू होने के बाद से यहाँ डिज़ाइनिंग तथा फैशन कम्युनिकेशन का कोर्स चल रहा है। आपने खुद महसूस किया होगा कि इन दोनों विधाओं में जो सृजन की निर्माण की क्षमता है वो शायद ही किसी और प्रोफेशन में हो सकती है। और मित्रों, नए के सृजन के साथ इस विधा में जो हमारे पुराने क्राफ्ट हैं उनको भी फिर से जिंदा करने की ताकत है, क्षमता है, जिससे इस इंडस्ट्री में एक नहीं कई क्रांति का जन्म हो सकता है। मैं हृदय से आदरणीय स्मृति ईरानी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से टेक्सटाइल हैंड और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में एक नई ऊर्जा भरी है और उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उनके लगातार इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों तथा देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इतिहास में पहली बार NIFT दिल्ली को विश्व के 10 प्रतिष्ठित फैशन इंस्टीट्यूट में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। हमारे देश से हर साल जितने 19 सालों का निर्यात होता है उसमें 80% जम्मू कश्मीर से जाता है। यूटी सरकार कॉरपोरेट कारपेट, वुड कार्विंग, नमदा क्राफ्ट, फुलकारी, बसोहली पेंटिंग, ट्वीट फैब्रिक, चिकरी क्राफ्ट वगैरह के GI टैगिंग पर भी काम कर रही है, जिससे इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छे मूल्य पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस पूरी प्रक्रिया में मैं NIFT को जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए देख रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ ह्यूमन कैपिटल की बात नहीं कर रहा बल्कि अभी वर्तमान में जो क्राफ्ट है और जिस तरह से फैशन बाजार में परिवर्तन हो रहा है उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग निभा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, मुझे भरोसा है कि जब NIFT का स्थायी परिसर इस साल बनकर तैयार हो जाएगा और नए कोर्सेस शुरू हो जाएंगे तब जिस परिवर्तन की हम अपेक्षा कर रहे हैं उस दिशा में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। किरण रिजू जी के प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पुनः आप सभी के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ और बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। फिर से एक बार क्षमा चाहता हूँ, उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से भी वहाँ न आ सका और जो मेरे लिए समय निर्धारित था उसमें भी मुझे देरी से आने का अवसर मिला। मैं एक बार फिर से खेद व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।